और सीधा आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई है, प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द की खरीदी निरंतर रखने का भी निर्णय आज लिया है। 7,900 प्रति क्विंटल की दर रखी है। एक अन्य निर्णय में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ाई लिखाई अभियान, जो नव भारत साक्षर अभियान के नाम से जाना जाएगा, जिसमें हमारे जो बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, या जो कह लें 15 वर्ष से ऊपर के लोग, इन्हें साक्षर करने का सरकार ने अब तय किया है और तय भी किया है, लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि सन 25-26 तक जो 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं इन्हें साक्षर करेंगे और 84 करोड़ की सहमति इस पर प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये खासकर हमारे एससी वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा बनाई है और इसमें 186 करोड़ का प्रावधान करके 966 गांवों को लाभान्वित करने का मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। हर घर में स्वच्छ जल पहुंचे, नल के द्वारा जल पहुंचे, ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी और आज जल विकास निगम के द्वारा सुदृढ़ीकरण और नवीन परियोजना को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। औद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, रोजगार के नौजवानों को अवसर प्रदान करने के लिए 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना करने का तय किया है। मोहना में, इंदौर, रतलाम, जावरा, रतलाम और कटनी लमतरा, ये 4 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का तय किया। इसमें जो मोहना इंदौर है उसमें 118.84 हेक्टेयर भूमि, जो रतलाम का है 19.84 हेक्टेयर भूमि और जो जावरा में रतलाम है उसमें 34.31 हेक्टेयर भूमि, कटनी के लमतरा में 13.32 हेक्टेयर भूमि, ऐसे कुल 124.46 हेक्टेयर भूमि इसके लिए रिजर्व करने का तय किया। इसमें भी लगभग 350 के लगभग निवेशक आकर निवेश कर सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक प्रारंभ होते ही जन्माष्टमी जो कल निकली उसकी शुभकामनाएं दी और बिजली की समीक्षा गहन की। एक एक बिंदु की बिजली की समीक्षा, जनता को आने वाली दिक्कत को उन्होंने समझा, किस तरह से अवर्षा की स्थिति से बांध नहीं भरने के कारण से दिक्कत आ रही है, किस तरह से कोयले की कमी से दिक्कत आ रही है और इस समीक्षा को उन्होंने विस्तार से करके मार्ग निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप, जो कि कैबिनेट की जानकारी बता रहे थे।